या हाय पूजा फ्रॉम न्यूज़ नेशन चैनल. हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, नए सोच के बारे में बात कर रहे हैं. भारत में स्वच्छता के अलावा बहुत सारी गंदगियाँ भी है सोच के मामले में, तो ऐसी कौन सी गंदगी है जो आप निकाल के बाहर फेंकना चाहते हो? बहुत सारी गंदगियाँ हैं, ऐसे कुछ लिस्ट बहुत बड़ी बनाई नहीं मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस एक चीज़ से हम शुरुआत करें तो शायद हम बाकी की गंदगियों तक पहुंच सकेंगे कभी कभी ना कभी ज़रूर. और भी कई उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं देश को, और बजट आ रहा है इस साल, तो आपकी एज अ एक्टर, एज अ जनता, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? Okay, that's a very, very involved and complicated question, which I don't know whether I have the whether I have the expertise to discuss with you on this particular platform. I think that's fair enough. Also, it'd be lovely that's vague enough to for me initiative. To get my as answer a actor, across. As an actor, your expectations from this budget, as an actor. See, I ideally want the entertainment industry to be completely tax-free, but since that's not going to happen in my foreseeable future, I will leave it up to the government to see do as they see best. थैंक यू काजोल. हाल ही के दिनों में देखा गया कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इस तरह के कॉज से जुड़ रहे हैं, जैसे कि आप सफाई अभियान से जुड़ी हैं इससे, तो ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग सोशली अवेयर हो रहे हैं और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ खासकर बॉलीवुड में, इसे आप किस तरह से देखती हैं? इसे मैं किस तरह से देखती हूँ, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग, वॉट एवर द रीजंस मे बी, जो भी वजह हों कि उन्होंने ये शुरुआत की है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, आई थिंक द कॉल द रिजल्ट इज़ करेक्ट. आई फील दैट इट्स आई फील पीपल नीड टू स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट थिंग्स. आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी अ कॉज इफ देयर वाज नॉट अ नेसेसिटी फॉर इट. एज फार एज सेलिब्रिटीज आर कंसर्न्ड, आई थिंक व्हेन आई स्विच अ चैनल एज अ लेमन, अगर मैं आम आदमी की तरह चैनल चेंज करूँ, तो जिस चेहरे को मैं पहचानती हूँ उस पर ज़रूर रुकूंगी. और यही मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि हम पहचाने जाते हैं और शायद थोड़े अच्छे भी लगते हैं लोगों को, तो इसी वजह से शायद लोग रुक के हमारी बातें कभी कभार सुन भी लेते हैं. इस वजह से मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ. काजल, एक और सवाल कि हमारे देश में बहुत लंबी बहस चली कि नेशनल एंथम थिएटर्स में प्ले करना चाहिए या नहीं. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और कहा है कि जरूरी नहीं है कि नेशनल एंथम प्ले किया जाए. एज एन एक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि फोर्स नहीं करना चाहिए, आपको लगता है? आई कैन नॉट स्पीक फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एज फॉर मी, व्हेनेवर आई हियर द नेशनल एंथम आई ऑटोमेटिकली स्टैंड अप. वेरी गुड, एक्सीलेंट. लेकिन काजल, क्या वो स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? जी, क्या उस स्टेटमेंट से? आई थिंक आई गेव माय आंसर ऑन दैट वेरी स्टेटमेंट. यू कैन टेक इट एज व्हाटएवर यू लाइक. थैंक यू. मैम, 12% जो सैनिटरी नैपकिन में टैक्स लगा है, गवर्नमेंट ने लगाया है GST के द्वारा, आपको लगता है इसे टैक्सेबल फ्री होना चाहिए प्रोडक्ट को? सैनिटरी नैपकिन, अगेन आई डोंट हैव द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज टू स्पीक अबाउट. One second, let me finish. You asked me a question, wait for my answer. So, I don't think that I have the financial expertise to discuss GST. I really don't. I'm an actor, otherwise I would be, you know, doing another job somewhere. As far as women's sanitary napkins are concerned, I think they've put a tax. Doodh pe bhi tax hai, chawal pe bhi tax hai. It's not that they are tax-free. So, that's really up to the government as to what they see fit and how they see fit to tax things. Thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, with that note, we will close the Q&A session. Thank you so much for being here, and thank you so much, Mr. Mehta and Kajol, for this wonderful initiative. I think it's brilliant, and congratulations on making this country so much better and a brighter future for the children.